राम जन्मभूमी कोट्यवधि हिंदूंचं श्रद्धास्थान। 22 जानेवारीला राम जन्मभूमीत रामलल्लाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडणार आहे आणि त्यासाठी राम मंदिराची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे। देशभरातून रामभक्त अयोध्या नगरीत दाखल होत आहेत। सध्या राम मंदिर परिसरात कसं वातावरण आहे, अयोध्येत तयारी कशी सुरू आहे, थेट अयोध्येत जाऊयात। आमची प्रतिनिधी ज्ञानदा सध्या राम मंदिर परिसरात आहे। ज्ञानदा, तू अयोध्येत आहेस, काय सांगशील? सुप्रभात सौरभ, सगळ्यांना गुड मॉर्निंग। अयोध्येमधनं जय श्रीरामचे नारे सगळे सगळीकडे ऐकू येत आहेत। अयोध्या नगरी कमालीची बदलते आहेत, कारण त्यांचे राजा येत आहेत, प्रभू श्रीराम येत आहेत। आणि खरं तर अवर्णनीय असं इथलं वातावरण आहे, इथला माहोल आहे, इथल्या कणाकणा श्रीराम आहेत, इथल्या मनामनात श्रीराम आहेत। मी प्रशांतला सांगेन, आम्ही सध्या भक्तिपथावरती आहोत। जरा या भक्तिपथाची दृश्य दाखवायला, कारण हा भक्तिपथ का, तर हनुमानगढीकडे हा भक्तिपथ जातो। श्रीरामाचा सर्वात मोठा भक्त म्हणजे बजरंग बली हनुमान, आणि म्हणूनच हा संपूर्ण मार्ग भक्तिपथ म्हणून राज्य सरकारकडनं, केंद्र सरकारकडनं विकसित केला जातोय। आणि प्रचंड मोठ्या संख्येनं, नाताळची सुट्टी आहे आणि श्रीराम जन्मभूमीचा नवीन निर्माण होतोय, त्यानिमित्तानं देशभरातनं हजारोंच्या संख्येनं, लाखोंच्या संख्येनं भक्त भाविक इथे येऊ लागलेत। हे एक महिला मंडळ आहे जे अयोध्येवरनं जय श्रीराम, हनुमानगढ़ी का जय श्रीराम। या ब्रजवासी भी आए हैं, कान्हा की नगरी से ब्रजवासी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मंगल में कामना देने के लिए मथुरा वृंदावन से हम लोग ब्रजवासियों का भी समूह आया हुआ है। आपला देश रामाचा आहे, आपला देश कृष्णाचा आहे, त्यामुळे राम असो कृष्ण असो सगळ्यांचा एकत्र मिलाफ भक्तिभावाचा इथे आपल्याला पाहायला मिळतो। कहा से आए है? हम अहमदाबाद से आए से, गांधीनगर थी, दो ग्रुप है, हमें सपैयाबाद आया से। हमारा घनश्याम महाराज की सेवा में सी भी है, हमारा गांधीवारा नहीं बरोबर। लक्ष्मी सर भजन भजन सुनाएंगे सर, हम लक्ष्मी नारायण गांधीवारा उसके साथ हम छपैया में। कितना कितना आनंद हुआ है, आनंद हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। हमें हनुमान मंदिर के दर्शन करने आए और छपैया हमारी सीपी रे, वहाँ हम जाने वाले हैं। आप कहाँ से? मैं उज्जैन से, महाकाल से। अच्छा, आप महाकाल से आए हैं। वाराणसी का विकास हो रहा है, उसके बाद अयोध्या का विकास हो रहा है, कैसे लग? बहुत अच्छा, मतलब जो हमारे उज्जैन में महाकाल लोक में, जो हमारे उज्जैन महाकाल लोक में हुआ है ना, उसी के उसमें लग रहा है कि वो पूरा महाकाल लोक की तरह यहाँ पे भी जो अयोध्या लोक बन रहा है वो उसी तरीके से और अच्छा डेवलप हो रहा है। बड़ा मजा आया, दर्शन करने में भी अच्छा लगा। हमारा घनश्याम महाराज यहाँ दररोज सेवा करवा आता था, हमने हनुमान दादा बहुत वाला है। घनश्याम हनुमान हनुमान गढ़ी से, आप कहाँ से? हम लोग मथुरा वृंदावन से आए हैं। अच्छा, क्या भावना है, इतनी बड़ी अयोध्या नगरी बदल रही है, आपकी भावना क्या? अब जो हजारों साल बाद हमारे राम जी का वैभव मोदी योगी ने वापस दिया है सनातन संत, उनसे यही कामना करते हैं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी जैसे काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण भूमि, हिंदू सनातन का प्रतीक का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा, तो ये हिंदुस्तान हमेशा विश्व गुरु बना रहेगा। 22 जनवरी की कितनी उत्सुकता है, 22 जनवरी को तो भगवान राम पधारने वाले है, 22 जनवरी की कितनी तैयारी चल रही है आपकी भी और कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, भगवान के दर्शन करने आएंगे बहुत जल्दी, इसलिए उस दिन 5-5 दिए जला के घर के बाहर दीपदान करेंगे और क्या बोलते हैं फटाके फुलझड़ियों से भगवान का स्वागत करेंगे उस दिन। आप कोई भजन सुनाने वाली थी, आप भजन सुना दीजिए। मोगराना फूल मोगराना फू मारा श्री जी ने नया गौगराना फू लक्ष्मी वाड़ी मैने मोड़िया मणि हनुमान दादा नु क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारा नरेंद्र साहेब ये आप प्रगति करी, हमने बहु गौरव बहु आनंद छे। गुजरातीत ना बोलता है, खरं तर देवाच्या भक्तीला कोणती भाषा नसते। इथे काही फूलवाले भैया आहेत, आपण त्यांना विचारूयात। कितने लोग आ रहे हैं, कैसा बदलाव हुआ है जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू? तो बहुत आ रही है इस समय अयोध्या में भगवान राम को देखने के लिए, सबको खुशी है कि अयोध्या भगवान राम लल्ला को हाजिर हो जाए। आप तो रोज सेवा करते हैं, तो आपकी भावना क्या है अभी मंदिर भावना है भगवान की सेवक हो और क्या सेवा करने के लिए खड़े होने के लिए।
जी कहाँ से आया? एक सेकंड बस, आ जाने दीजिए, 10-15 लोग हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा ग्रुप है शायद आपका। कहाँ से आया? बनारस। काशी से। काशी से, ओके ओके। तो क्या भावना है, दर्शन हो गए? बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगा। जो है जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का विकास हो रहा है, हम लोग यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। नाम सुनकर हम लोग जो है, अभी 22 को उद्घाटन होना है, लेकिन पहले ही हम लोग आकर दर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद पुनः एक बार आएंगे और सच में बहुत मन प्रसन्न है। आंटी जी नमस्ते, दर्शन हो गया आपका? हाँ, कैसे लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, भाव मन में लेके आए, क्या मांगा? मांगे हैं, भगवान दे देंगे तो फिर आएंगे माता भगवान के दरबार में, बजरंग बली में। बस हमारे दामाद जी हैं, ये बढ़ोतरी हो इनका। अच्छा, हाँ दामाद जी आपके लिए बहुत सारी खुशियां मांगती है। धन्यवाद धन्यवाद। तर सौरभ, आपण पाहू शकतोय की खूप मोठ्या संख्येनं भाविक येतात, प्रत्येकाच्या मनामध्ये श्रीरामाची भावना आहे। आणि जेव्हापासून मंदिर निर्माणाचं कार्य सुरू झालंय तेव्हापासून इथल्या प्रत्येक दुकानदारानं आम्हाला काल बोलताना हेच सांगितलं, इथल्या प्रत्येक विक्रेत्यानं हेच सांगितलं की खूप मोठ्या संख्येनं रामभक्त येऊ लागलेले आहेत आणि संख्या दिवसेंदिवस वाढणार आहे। आणि जानेवारीत अर्थात जेव्हा उद्घाटन होणार आहे तेव्हा तर इथला नजारा काही औरच असणार आहे, पण डेफिनेटली अयोध्या खूप मोठ्या प्रमाणात बदलते आहे आणि हे एक नव्या भारताचं, भारताच्या नव्या विकासाचं चित्र अयोध्येच्या पावला पावलावरती पाहायला मिळते। आणि अर्थात राम जन्मभूमीमध्ये येणं हे अर्थात माझ्यासाठी पण खूप भाग्याचं मी समजते। आणि दर्शन तर आम्ही करूच थोड्या वेळानंतर, पण अयोध्या कशी बदलती आहे, विकास कसा होतो आहे, या सगळ्या रामभक्तांच्या काय भावना आहेत हे आपण आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पुढचे काही दिवस मी आणि कॅमेरामन प्रशांत मानेच्या माध्यमातून पोहोचवत राहू, तोवर मी तुमची रजा घेते। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।